बार क्या होता है ना, कई चीजें हम लोग फैशन में करते हैं कि वाओ यार मजा आएगा। इस समय ना फिजिक्स मजे के लिए नहीं पढ़नी है, इस टाइम बायो मजे के लिए नहीं पढ़नी है। तो ऑफ कोर्स लेवल अप सीरीज में आपको मजा आएगा, ऑफ कोर्स एलओआईसी में भी आपको मजा आएगा, पर इस टाइम आप ना प्लेजर के लिए नहीं पढ़ रहे हो। मजा मतलब प्लेजर, और प्लेजर अपनी तरफ बहुत तेज खींचता है जिंदगी में। आप अपने दिन भर में देखो जो भी आप बुरे काम कर रहे हो, देखो यहीं पे आप तुमको कुछ और भी चीज सिखाता हूं कि दिन भर में जो भी तुम बुरे काम कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, समझ रहे हो मैं किस बुरे काम, मैं हर तरह के बुरे काम, जितना गंदा काम सोच सकते हो सोच लो अपने दिमाग में ना। तुम लोग सब बड़े हो गए हो, मैं भी बड़ा ही हूं। जितना गंदा काम तुम दिन भर में कर रहे हो, जितने भी बुरे काम कर रहे हो, किसी को कोई टीवी देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे बैठा है, कोई दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, कोई नशे की लत में पड़ा हुआ है अभी भी, है ना, किसी को यह है कि यार मतलब सिगरेट ही पी रही है, सिगरेट पीने में लगा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, जितनी भी बुरी चीजें है ना वो क्यों अट्रैक्ट करती है? इंस्टेंट प्लेजर देती है, इंस्टेंट प्लेजर विदाउट हार्ड वर्क। अगर आप सिगरेट की बात करो या किसी भी ऐसे एडिक्शन की बात करो, वो आपके दिमाग को ना इंस्टेंट प्लेजर दे देता है। कोई भी आप बुरी एक्टिविटी कोई भी सोचो, आपको किसी भी तरह का एडिक्शन हो, किसी भी तरह का एडिक्शन, कई से यहाँ पे कई बच्चों को उनको पॉन एडिक्शन हो, तो ये जो पॉन एडिक्शन है, ये नशे का एडिक्शन है, जितनी भी चीजें ना आपको इंस्टेंट, अरे बड़ी वहां से बाहर निकलना है, अपने को बाहर आना है, तो वो ना इंस्टेंट प्लेजर दे देता है दिमाग, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन विदाउट एनी हार्म। और अपना दिमाग बड़ा खुश होता है यार कि मेहनत भी नहीं की, प्लेजर भी मिल गया। बट बेटा एक चीज ये समझो, इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये ना ये डेविल की डील होती है आपके साथ। ये जो इंस्टेंट प्लेजर आप सोचते हो कि इंस्टेंट प्लेजर मिले, कहीं भी हो सकता है, हो सकता है यूट्यूब पे आपको किसी का वीलॉग देख के इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा हो सकता है, आपको कोई मूवी देख के इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा हो, कई जगह हो सकता है ये इंस्टेंट प्लेजर। बेटा जितने भी ये इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें, जितनी भी इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें हैं, ये आप मान के चलो कि इसके अंदर एक डेविल्स एडवोकेट छुपा होता है। वो आपके साथ एक समझौता करता है। आपको लगा बिना हार्डवर्क के आपको प्लेजर मिला, बिना हार्डवर्क के आपको प्लेजर मिला। जैसे ऐसे सोच लो कि बिना पैसे कमाए मैंने आईफोन 10 या जो भी है खरीद लिया, बिना पैसे कमाए, तो डेफिनेटली आपने उसके लिए किडनी बेची होगी, सेम डेफिनेटली कुछ अंदर हुआ होगा, है ना, इक्वेशन कहीं बराबर हुई होगी। तो जब भी आप इंस्टेंट प्लेजर ढूंढते हो दिन भर में अपने अपने, जैसे सोना भी एक इंस्टेंट प्लेजर है कि यार सो जाते हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, 10 घंटा सो रहे हैं, 12 घंटा सो रहे हैं, या प्लेजर ढूंढ, आपको मजा मिल रहा है, पड़े हुए हैं, है ना, कूलर चला लिया सामने पड़े हुए, एसी चला लिया सामने पड़े हुए, टेबल पे अपनी कुर्सी बैठ के सो गए। इंस्टेंट प्लेजर जब भी आपको मिलेगा तो उसके अंदर एक डेविल्स एडवोकेट होगा जो आपके साथ एक सौदा करता है। उस सौदे में आपको क्या मिलेगा ये तो पता है, पर आपका क्या जाएगा वो आपको कभी नहीं पता। बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि इस प्लेजर के लिए क्या यूज होता है। द इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड, फिजिक्स इज ऑलवेज बैलेंस्ड, द इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड। तो जब भी आपको लग रहा है किसी एक काम से आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है और उसके बदले मेरा कुछ नहीं जा रहा है, अपने अंदर झांक के फिर ढूंढना, तुमको समझ में आएगा क्या जा रहा है। तो डेविल ना आपके साथ एक डील करके जाता है, आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है और आपसे आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपसे आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके जाता है, जैसे